दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद बुधवार को उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि हॉस्पिटल की ओपीडी कार्यालय और लैब को बंद कर दिया गया है और उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। डॉक्टर के संपर्क में जो लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। संक्रमित 35 वर्षीय डॉक्टर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की पत्नी और बच्चे को लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टर को संक्रमण कहां से हुआ है यह साफ तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि डॉक्टर में कोरोना वायरस उनके एक रिश्तेदार से फैला होगा जो इंग्लैंड से आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, संदेह है कि डॉक्टर को संक्रमण उनके भाई और भाभी से हुआ होगा जो हाल ही में इंग्लैंड से लौटे थे। हाल ही में वह उनके घर पर गई थी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि डॉक्टर ने ना तो कोई विदेश यात्रा की है और ना ही उन्होंने किसी कोरोना वायरस पीड़ित का इलाज किया है। इधर लॉकडाउन के बाद हॉस्पिटल में मरीज की संख्या काफी घट गई है। ओपीडी में सिर्फ 100 से 150 मरीज ही आ रहे थे। इससे पहले सामान्य दिनों में 1000 से 1500 मरीज हर रोज आते थे। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर दंपत्ति में इस वायरस का संक्रमण पाया गया था। माना जाता है कि उन्हें यह संक्रमण सऊदी अरब से लौटे एक मरीज से लगा था जो उनसे इलाज कराने आए थे। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कम से कम 120 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें से 24 मामले तो सिर्फ मंगलवार को ही सामने आए हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।